हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएम बायोलॉजी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इन बैक्टीरिया देर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ आरएनए, मतलब बैक्टीरिया में तीन मेजर टाइप्स के आरएनए होते हैं। नॉट ओनली इन बैक्टीरिया, यूकेरियोट्स में भी तीन टाइप्स के आरएनएस होते हैं, उसमें एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, देन टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए, दैट इज आरआरएनए। ऑल थ्री आरएनएस आर नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन ए सेल। तो ये तीनों भी आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है। द एमआरएनए प्रोवाइड्स द टेम्पलेट, टीआरएनए ब्रिंग्स अमाइनो एसिड्स एंड रीड्स द जेनेटिक कोड, एंड आरआरएनए प्लेज स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ये तीनों भी आरएनए एक एक रोल कैरी करते हैं, रोल प्ले करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, एमआरएनए इट एक्ट्स एज अ टेम्पलेट, आरआरएनए प्लेज स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, एंड टीआरएनए ब्रिंग्स अमाइनो एसिड्स ड्यूरिंग जेनेटिक कोड एंड रीड्स द जेनेटिक कोड। There is single DNA-dependent RNA polymerase that catalyzes transcription of all types of RNA in bacteria. यहाँ पर DNA-dependent RNA polymerase enzyme होता है जो catalyze करता है, catalyzes transcription, transcription के process में enzyme का role play करेगा, of all types of RNA in bacteria. In RNA polymerase binds to promoter and initiates transcription. ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में कहाँ पे जाके ज्वाइन होगा, अटैच होगा, वो प्रमोटर एरिया में जाएगा और इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट कर देगा या फिर स्टार्ट कर देगा। इट यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स एज सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हो कि इनिशिएशन का एक प्रोसेस है, देन उसके बाद इलोंगेशन का एक प्रोसेस है, एंड देन टर्मिनेशन, मतलब यहाँ पे स्टार्ट होता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड देन इलोंगेशन प्रोसेस एंड द एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। हियर यू कैन सी देर इज प्रमोटर रीजन ऑन दिस DNA डबल हेलिक्स, देन RNA पॉलीमरेज इज द एंजाइम, एंड अ सिग्मा फैक्टर विच इनिशिएट्स, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। फिर उसके बाद इलोंगेशन का प्रोसेस होता है, जैसे जैसे ये येलो आप देख रहे हो यहाँ पे RNA, जो न्यूली फॉर्म RNA है वो यहाँ पे शो किया है, तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जैसे आगे जाता है वैसे ये RNA का एक पेप्टाइड चेन फॉर्म होता है, और ये लूप जैसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये प्रमोटर रीजन यहाँ पे आ चुका है और सिग्मा फैक्टर भी है यहाँ पर, और टर्मिनेटर यहाँ पे टर्मिनेटर रीजन है। ओके, उसके बाद टर्मिनेशन रीजन पे जब ये पहुँचेगा, जैसे जैसे आगे इलोंगेशन का प्रोसेस होते जाएगा और टर्मिनेशन के सिक्वेंस तक ये आ जाएगा, तब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है एंड रो फैक्टर है वो सेपरेट हो जाएंगे एंड में, और जो न्यूली फॉर्म्ड आरआरएनए है, एमआरएनए है, वो अलग हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। यहाँ पे सिर्फ आरएनए लिखा है क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन शो किया है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, इट यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स एज सबस्ट्रेट एंड polymerizes in a template dependent fashion following the rule of the complementarity. It somehow also facilitates opening of the helix and continuous elongation. तो ये continue करता है, facilitate करता है opening of the helix, helical structure को open करना और elongation process को continue करते जाना. Only a short stretch of rRNA, शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आर एन ए रिमेन्स बाउंड टू द एंजाइम। तो आर एन ए का जो एक पार्ट होगा वहीं पे बाइंड होगा ये एंजाइम। वंस द पॉलीमराइजेस स्ट्रेचेस द टर्मिनेटर रीजन, द नेजेंट
RNA falls off, so also RNA polymerase. तो यहाँ पे जब ये प्रोसेस टर्मिन ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तब ये नेजेंट RNA फॉल ऑफ होगा, मतलब न्यूली फॉर्म जो राइबोसोमल आरएनए है वो फॉल ऑफ होगा, टूट जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, एंड ऑल्सो RNA पॉलीमरेज. दिस रिजल्ट्स इन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. तो यहाँ पे एंड होगा, टर्मिनेशन प्रोसेस का एंड हो जाएगा. इन इंट्रिगिंग क्वेश्चन इज दैट हाउ इज द RNA पॉलीमरेजेस एबल टू कैटलाइज ऑल थ्री टाइप्स विच आर इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि RNA पॉलीमरेज कैसे कैटलाइज करता है तीनों भी स्टेप को, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन को. द RNA पॉलीमरेज इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन. तो RNA पॉलीमरेज जो है वो सिर्फ कैपेबल होता है कैटलाइज करने के लिए प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन. इट associates transiently with initiation factor and termination factor. तो ये enzyme क्या करता है, bind होता है initiation factor, rho factor and sigma factor and the termination factor, that is rho factor. तो initiate the and terminate the transcription. तो ये initiation करने के लिए और termination करने के लिए यहाँ पे जो दो फैक्टर्स हैं, एक सिग्मा फैक्टर एंड दूसरा है रो फैक्टर. तो इनिशिएशन फैक्टर कौन सा है, सिग्मा, और टर्मिनेशन फैक्टर है रो. सो यहाँ पे रिस्पेक्टिवली बाइंड करता है. एसोसिएशन विद दीज फैक्टर्स अल्टर द स्पेसिफिसिटी ऑफ RNA पॉलीमरेज टू आइदर इनिशिएट और टर्मिनेट. तो इनका जो एसोसिएशन बनता है उसी पे डिपेंड रहता है कि whether the transcription is to be initiated or terminated. In bacteria, since mRNA does not require any processing to become active, and also since transcription and transcription take place in the same compartment, यहाँ पे जो bacteria होता है वहाँ since mRNA does not require any processing to become active, तो ये mRNA जो नया बनेगा उसमें उसको एक्टिवेट करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड रहता है, क्योंकि कंटिन्यू जो स्ट्रैंड बनता है वो कंटिन्यू बनता है, उसमें एग्जॉन एंट्रॉन ऐसे कुछ नहीं होता है. एंड ऑल्सो सिंस ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट. और दूसरी बात ये है कि जो न्यूक्लियस होता है, जो सेल होता है, रादर सेल में अलग अलग कंपार्टमेंट नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, और इसलिए सेपरेट उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. जो mRNA बनेगा उसी एरिया में, उसी रीजन में प्रोटीन सिंथेसिस भी हो जाएगा. सो देर इज़ नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल एंड द न्यूक्लियस इन द बैक्टीरिया. एंड मेनी टाइम्स द ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर द mRNA इज फुल्ली ट्रांसक्राइब्ड. तो यहाँ पे एक ही जगह दोनों भी प्रोसेस होंगे और इजीली या फिर कम टाइम में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा. तो यहाँ हम ये बोल सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो कपल्ड होता है बैक्टीरिया के केस में. अब देखेंगे यूकैरियोट्स में क्या होता है. अब ये यूकैरियोट्स जो है, यहाँ पे डायग्राम दिया है यूकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. इन यूकैरियोट्स देर आर टू एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज. तो यूकैरियोट्स में दो एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं. अगर हम दोनों भी कंपेयर करें, एक यूकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, देन यू विल फाइंड टू एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज इन दैट. द फर्स्ट वन इज़ देर आर एटलीस्ट थ्री RNA पॉलीमरेजेस इन द न्यूक्लियस. तो यहाँ पे यूकैरियोट्स में क्या होंगे, तीन अलग अलग RNA पॉलीमरेजेस होंगे इन द न्यूक्लियस, इन एडिशन टू RNA पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑर्गेनेल. देर इज क्लियर कट डिविजन ऑफ लेबर. तो इनको अलग अलग काम दिया है, अलग अलग रोल वो प्ले कर रहे हैं. अब यहाँ पे फर्स्ट जो RNA पॉलीमरेज वन है वो क्या करेगा, RNA पॉलीमरेज वन ट्रांसक्राइब्स RNAs. तो फर्स्ट वाला जो है पॉलीमरेज RNA पॉलीमरेज वन, वो किसको ट्रांसक्राइब करेगा, RNA को, राइबोसोमल RNA को. देन उसके बाद द RNA पॉलीमरेज थ्री, RNA पॉलीमरेज थ्री क्या करेगा, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA एंड
small ribosomal RNA, five small ribosomal RNA and small nuclear RNAs. तो इसको transcribe कौन करेगा? Responsible है RNA polymerase 3. This is responsible for transcription of tRNA, 5 sRNA and snRNA. Then what about the second polymerase? Polymerase 2 transcribes precursor of mRNA and the heterogeneous nuclear RNA, hnRNA को transcribe करेगा. ठीक है, तो ये अलग अलग रोल इनको दिया है पॉलीमरेज 1, 2 and 3 इन केस ऑफ यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में एक ही पॉलीमरेज है आरएनए पॉलीमरेज जो सभी काम करता है पूरा. अलग अलग उसका जो टाइप्स है वो अलग अलग नहीं है, एक ही पूरे रोल्स प्ले करेगा. द सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी, अब सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स कंटेन बोथ द एग्जॉन्स एंड इंट्रॉन्स. ये जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट मतलब ये न्यूली फॉर्म्ड आरएनए, इट कंटेन्स एग्जॉन्स एंड इंट्रॉन्स. हमने ये डिस्कस किया था कि एग्जॉन्स क्या होते हैं और इंट्रॉन्स क्या होते हैं. अब एग्जॉन्स जो रहेंगे वो एक्सप्रेस होने वाली न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे या फिर वो रीजन रहेगा जो एक्सप्रेस होगा आगे चलके, लेकिन इंट्रॉन्स जो है वो एक्सप्रेस नहीं होते, प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं करेंगे और यहाँ पर ये नॉन फंक्शनल होंगे. ओके, तो इंट्रॉन्स आर नॉन फंक्शनल, एग्जॉन्स आर फंक्शनल, ये इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं यहाँ पर. हेंस इट इज सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग. तो हमें स्प्लाइसिंग करना है, इसका मतलब एग्जॉन्स को रखना है और इंट्रॉन्स को रिमूव करना है. वेयर द इंट्रॉन्स आर रिमूव एंड एग्जॉन्स आर जॉइंड इन अ डिफाइंड ऑर्डर. तो एग्जॉन्स एग्जॉन्स जितने एग्जॉन का पोर्शन होगा उतने रीजन को हमें जोड़ना होगा और इंट्रॉन्स को क्या करना है? रिमूव करना है. एच एन आर एन ए अंडरगोज एडिशनल प्रोसेसिंग कॉल्ड एज कैपिंग एंड टेलिंग. अब स्प्लाइसिंग हो गया, एग्जॉन्स जुड़ गए, इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया, उसके बाद कैपिंग और टेलिंग करनी है हमें. मतलब एक एडिशनल चीज़ क्या करनी है, उसको और सेफ करना है और परफेक्ट बनाना है हमें. ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा? कैपिंग करनी होगी एंड टेलिंग करनी होगी. तो कैपिंग कैसे करेंगे? कैपिंग एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट. मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट से हम करेंगे कैपिंग. इज एडेड टू द, अब ये ऐड कहाँ करना है? फाइव एंड ऑफ एच एन आर एन ए, फिफ्थ एंड जो रहेगा, फाइव प्राइम एंड, वहाँ पे जाके हमें कौन सा कैप जोड़ना है? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का. इज एडेड टू फाइव प्राइम एंड ऑफ एच एन आर एन ए. अब टेलिंग कैसे करनी होगी? टेलिंग करने के लिए हमें एडेनिलेट रेसिड्यूज, जैसे पॉली ए टेल एडेनिलेट रेसिड्यूज 200 to 300, इतना हमें उसको ऐड करना होगा. कितने रेसिड्यूज ऐड करने हैं? 200 to 300 रेसिड्यूज वी हैव टू ऐड हियर, एंड दोज आर एडेड एट 3' एंड इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर. ये टेम्पलेट पे ही ऐड करने होंगे, ये नेचुरली होता है, हम कर रहे हैं मतलब हमें कुछ आर्टिफिशियली करने की ज़रूरत है, नेचुरली हो जाता है बॉडी में. इट इज़ फुल्ली प्रोसेस्ड एच एन आर एन ए. अब ये प्रोसेस्ड एच एन आर एन ए बन गया. अब ये प्रोसेस होने के बाद हम इसको बोलेंगे एम आर एन ए, अब ये कहलाएगा एम आर एन ए, अदरवाइज उसका नाम क्या होगा? हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आर एन ए. ओके, जब ये प्रोसेसिंग कम्प्लीट नहीं होता है तब तक वो एच एन आर एन ए होगा. जब ये प्रोसेसिंग मतलब स्प्लाइसिंग का प्रोसेस, देन कैपिंग, टेलिंग, ये पूरे प्रोसेस कम्प्लीट होने के बाद एक मैच्योर आर एन ए फॉर्म होगा और उसी को हम बोलेंगे एम आर एन ए, मैसेंजर आर एन ए, दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन का? ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए जो बने, जो एम आर एन ए बन चुका है उसको हम भेजेंगे, उसको भेजा जाता है न्यूक्लियस के बाहर. सो इट इज़ ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन. ठीक है, तो ये दो चीज़ें एडिशनल होती हैं यूकैरियोट्स में,
जो प्रोकैरियोट्स में कैरी आउट नहीं होती है. ओके, देन द सिग्निफिकेंस ऑफ सच कॉम्प्लेक्सिटीज इज नाउ बिगिनिंग टू बी अंडरस्टूड. तो सिग्निफिकेंस क्या है इस कॉम्प्लेक्सिटी का, जैसे यूकैरियोट्स में कॉम्प्लेक्सिटीज होती है. सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सच कॉम्प्लेक्सिटीज इज नाउ बिगिनिंग टू बी अंडरस्टूड. द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट्स रिप्रेजेंट प्रोबेबली एन एंशियंट फीचर ऑफ द जीनोम. द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्सिन इज रेमिसेंट of antiquity and the process of splicing represents the dominance of RNA world. In recent times, the understanding of RNA, RNA-dependent process in the living system have assumed more importance. तो यहाँ तक important चीज़ें थी जो हमने discuss की आज के class में. Next class में हम genetic code को discuss करेंगे. तब तक के लिए take care, goodbye, thank you so much.